नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो सब ठीक हो? तो देखो दोस्तों, डिज्नी स्टार के प्लेटफॉर्म पर पॉपकॉर्न नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हो गई है। अब ये पॉपकॉर्न खाने वाला पॉपकॉर्न नहीं है, इसका नाम है पॉपकॉर्न मतलब बापकॉर्न। कुणाल खेमू इस वेब सीरीज के मेन स्टार कास्ट है और इसके अंदर हमें बेहतरीन कॉमेडी कलाकार देखने को मिलेंगे। जॉनी लीवर और जॉनी लीवर की डॉटर और राजपाल यादव, चिकी पांडे, सौरभ शुक्ला, सतीश कौशिक जैसे बेहतरीन कलाकार हमें इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पॉपकॉर्न वेब सीरीज के कुल टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 25 से 45 मिनट के बीच के अंदर है। तो आपको ये 3-3.5 घंटे का शो देखने को मिलेगा और ये शो आपका कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इतना बेहतरीन कॉमेडी शो बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है और बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा ये शो। अगर दोस्तों आप प्रो ऑडियन हो तो इस शो को देखते वक्त आप अपने दिमाग का एक बटन लॉजिक वाला जरूर बंद कर देना, क्योंकि ये शो प्रो ऑडियन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर किसी को भी मजा दे सकता है अगर आप अपना दिमाग को ज्यादा यूज ना करें तो। इस शो के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब जाने बिना आप सिर्फ कॉमेडी का मजा भरपूर ले सकते हो। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो शायद आपको ये शो नाराज कर सकता है। अगर आपने अपना सात्विक दिमाग नहीं लगाया तो आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सिर्फ आप कॉमेडी के नजरिए से इस शो को देखोगे तो आपको इस शो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। शो के अंदर हमें ओल्ड एक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये शो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। कॉमेडी के लिहाज से कॉमेडी बिल्कुल लाजवाब देखने को मिलेगी। पॉपकॉर्न शो की कॉमेडी ग्रिप बहुत अच्छी है जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। तो मुझे ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया। आप भी इस शो को देखना चाहते हो तो डिज्नी स्टार पर जाइए और शो प्ले कीजिए और देखिए। तो इस शो के मेन एक्टर कुणाल खेमू है जिन्होंने अपनी एक्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से की हुई है। इसके साथ साथ हमें जॉनी लीवर, सौरभ शुक्ला, राजपाल यादव जैसे एक्टर बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हुए देखने को मिलेंगे और हमें कुछ रोल अन्य कलाकारों को भी देखने को मिलेंगे जिनके रोल थोड़े कम है लेकिन उन्होंने अपना काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करा। जैसे कि हमें तुषार कपूर, सतीश कौशिक और चिकी पांडे भी इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे जिनका थोड़ा मोटा रोल है लेकिन वो भी काफी शानदार तरीके से उन्होंने अपना काम कर दिया। इस वेब सीरीज के अंदर सभी एक्टरों ने इतना परफेक्ट तरीके से काम किया ना जिसके कारण आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और आपको ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि इस वेब सीरीज को उतने बड़े लेवल पर नहीं बनाया गया लेकिन जिस लेवल पर बनाया गया ना उस लेवल पर ये मजा दे देती है। जैसे कि हमने मूवी देखी थी हाउसफुल 4, वो कुछ लोगों को और कुछ क्रिएटर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी लेकिन वो फिर भी ऑडियन को बहुत पसंद आई थी और अच्छा बिजनेस करके गई थी। उसी हिसाब से ये मूवी है। शायद मुझे पता है कुछ तेज दिमाग लगाने वाले और अपने आप को बहुत समझदार समझने वाले क्रिएटर लोग इस वेब सीरीज को बहुत बेकार या घटिया बताएं, लेकिन मुझे पता है ना ये एक आम ऑडियन को बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये पुराने टाइम की ऑडियन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आज भी वो ऑडियन जिंदा है तो उनके हिसाब से ये वेब सीरीज बनाई गई है। नए ऑडियन को शायद ये वेब सीरीज बिल्कुल ना पसंद आए लेकिन पुराने ऑडियन को ये बहुत परफेक्ट तरीके से पसंद आएगी। मुझे भी ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। तो देखो दोस्तों, ये पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट वेब सीरीज है तो आप इस वेब सीरीज को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये पूरा एंटरटेनमेंट देके जाएगी। तो दोस्तों, अगर मेरी तरह सोच रखने वाली ऑडियंस होगी तो इस वेब सीरीज को जरूर पसंद करेगी। तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 10 में से 8 स्टार। तो मुझे ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अपनी राय लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।